गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस स्वागत है आपका चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हुसैन बेसानी डिस्कस करेंगे IASbaba के डेली करंट अफेयर्स 6 अगस्त 2019 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले वो आर्टिकल 35A के बारे में। तो उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, जून के महीने में 2018 यही साल, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये आर्टिकल काफ़ी न्यूज़ में आ गया और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिबेटिंग स्टार्ट हो गई। ऐसा हुआ ही है क्योंकि देखिए, एक कश्मीरी वूमेन है चारू वाली खान, तो ध्यान में रखिएगा, ये अपना सक्सेशन राइट चाहती थी। देखिए सक्सेशन राइट क्या होता है, बेसिकली अगर एक इंसान है और उसके फादर के पास अगर प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि उनका जो फादर का प्रॉपर्टी है बाद में उनके स्पाउसेस जो उनका भी जो भी बेटा बेटी है तो उसमें इक्वली डिवाइड होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ था कि उनको सक्सेशन राइट चाहिए था अपना मतलब अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, फादर के प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पे ऐसा होता है कि क्योंकि एक वुमेन है तो हो सकता है, देखिए ये मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि इनका शादी जो है वो कहीं और हुआ हो, स्टेट के बाहर हुआ हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि 35A के तहत आप अगर उस स्टेट में रहते नहीं हो तो आप वहाँ पे कोई भी लैंड क्लेम नहीं कर सकते हो, अगर वहाँ के आप परमानेंट रेसिडेंट ना हो तो। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि उनको जो लैंड है वो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एक NGO है वी द सिटीजन्स, तो उन्होंने भी एक रिट पिटीशन फाइल की है कि यार ये जो आर्टिकल 35A है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए आर्टिकल 35A को, तो आप इसको हटा दीजिए। अब NDA गवर्नमेंट ये चाहती है कि डिस्कशन हो इसके बाद के ऊपर, कि बहुत सारे डिस्कशन तो लोग आए सामने उठ करके अपने जो वक्तव्य है उसको सामने रखे ताकि जो सही डिसीजन है लास्टली गवर्नमेंट वो ले सके। अब आर्टिकल 35A क्या होता है, तो आर्टिकल 35 जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया कि जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है उसके पास परमानेंट रेसिडेंट को डिफाइन करने का पावर है। अब वहाँ पे जो परमानेंट रेसिडेंट है उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होगी, जैसे कि उनका जो राइट होगा वो पब्लिक सेक्टर जॉब के ऊपर रहेगा, उनका जो भी जम्मू कश्मीर का जो भी जॉब्स है वो वहीं के सिटीजन ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ का जो स्टेट है उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो वहीं का रेसिडेंट जो वही ले सकता है। इसके अलावा वहाँ पर जो स्कॉलरशिप या फिर और कोई पब्लिक वेलफेयर का जो प्रोग्राम होता है उसका जो हकदार है वो भी वहीं का सिटीजन है, और कहीं का जो इंसान है वो वहाँ पर उसका हकदार नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा भी बोला जा रहा है कि कोई अगर ऐसा एक्ट है, ठीक है, सपोज कीजिए एक एक्ट एक्स है, हम लोग का संविधान में बहुत सारे एक्ट हैं, तो कोई अगर ऐसा एक्ट है जो कि हर जगह लागू होता है वो इस जगह पे आकर के अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, मतलब उस एक्ट का वैधता जो है वो जम्मू कश्मीर पर नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ बातें हैं। अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा होता है कि जम्मू कश्मीर के बाहर के अगर कुछ लोग हैं तो वो लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जा करके अपना जो मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, इसके अलावा वहाँ पे वो जाके काम नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ जो चीज़ है वो 35A के अंदर कहा गया है। अब यहाँ पे ये कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हेयरिंग हुआ तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो आर्टिकल 35A को बचाने के रास्ते में उतर गए, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो गई थी। तो ये सब रिसेंट का जो न्यूज़ था वो चल रहा था। अब देखेंगे रिस्क्रीक प्रोजेक्ट शक्ति के बारे में, ठीक है, ये जो है वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है इनोवेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी आता है क्वेश्चंस तो, और भारत का एक अच्छा अचीवमेंट है यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब RISC-V वर्कशॉप एक है जो कि चेन्नई में स्टैब्लिश किया गया, इसको IIT मद्रास होस्ट किया था, वो एक गजब का माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया है। कैसे, कि एक लिनक्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो लिनक्स को उन्होंने बूट किया एक चिप में, ठीक है, एक RISC-V बेस्ड सिलिकॉन चिप प्रोसेसर है तो उसमें उन्होंने बेस्ड किया। इसका जो प्रोसेसर है उसका नाम है शक्ति, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है फ्यूचर टाइम्स में आप जगह अगर कंप्यूटर खरीदोगे तो उसमें अगर प्रोसेसर चेक कीजिएगा, जैसे i5 i7 प्रोसेसर होता है, तो हो सकता है वहाँ पे शक्ति लिखा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, अपकमिंग टाइम में ऐसा आ सकता है। अब एक टीम है जिसको कि कौन फंड करता है, MEITY, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में MEITY लिखा जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने वो लोग इसको फंड करते हैं बेसिकली इस टीम को। और ये टीम क्या करती है, पार्शली फंड करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सारा पैसा ये लोग देते हैं, पार्शली फंड होता है, कुछ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जिसमें पैसा देते हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये लोग क्या करते हैं, भारत में जो CPU का या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स को लेकर के जो भी मतलब सिचुएशन उसको बढ़ाने की काम की जाती है, उसको अच्छा बनाने की काम की जाती है यहाँ पे। इसके अलावा और अगर बात करें तो एनालिस्ट्स का ये करना है कि RISC-V चिप्स जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है IoT में, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये सब आपको पता है दोस्तों, काफ़ी डिस्कस किया उसको मैं प्रीवियस आर्टिकल्स में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पूरा आर्टिकल्स था, तो फिर से इसमें नहीं घुसेंगे। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनिशियल जो बैच है इस चिप का, 300 चिप का जो इनिशियल बैच है RISC-V का, तो इसको प्रोड्यूस किया गया प्रोजेक्ट शक्ति के अंदर। कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया, तो जो ओरेगॉन फैसिलिटी है, मतलब सॉरी जो इंटेल की फैसिलिटी है ओरेगॉन USA में, तो उसमें ही इसको प्रोड्यूस किया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब MEITY के बारे में बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इनका बेसिकली स्टार्टिंग में काम ये था कि लोग ई गवर्नेंस के ऊपर काम करते थे, जो गवर्नेंस है
उसको इलेक्ट्रॉनिक बनाने का डिजिटल बनाने का काम करते थे। बेसिकली डिजिटल इंडिया के अंदर का ये एक ये है मिनिस्ट्री है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उठ करके ये काफ़ी और सेक्टर्स जो है उसे एक्सप्लोर कर रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को ताकि अच्छा काम हो सके जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एनिमल न्यूज़ के अगर बात बारे में बात करते हैं, स्टार टॉर्टोइज है उसके बारे में बात करेंगे। ये है तस्वीर स्टार टॉर्टोइज की। अब थोड़ा इसको इसको जान लेते क्या हो रहा है। यहाँ पे न्यूज़ में ये चल रहा है कि 1125, ध्यान में रखिएगा, 1125 स्टार टॉर्टोइज जो है उसको स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। बांग्लादेश कुछ लोग जा रहे थे तो लोग इसको लेके जा रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया, पकड़ा गए वो लोग। और इसके जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडियन स्टार टॉर्टोइज जिसका कि नाम है जियोक्लोन एलिगेंस, ठीक है, तो ध्यान नाम ध्यान रखिएगा, जियोक्लोन एलिगेंस, तो ये काफ़ी थ्रेटेंड स्पीसीज है, मतलब ये लोग नहीं पाए जाते हैं। बेसिकली कहाँ ये मिलता है, तो भारत के ड्राई एरियाज और स्क्रब फॉरेस्ट जितने भी हैं भारत और श्रीलंका के, तो वहाँ पे इसको पाया जाता है और ये कहीं नहीं मिलता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है कि ये मतलब स्मगलिंग प्रोन हो जाता है। और इसमें ये है कि ये जो ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि देखिए ये खूबसूरत इतना है कि लोग इसको पालना चाहते हैं, ठीक है, एक पेट एनिमल की तरह रखना चाहते हैं। इसके लिए इसका स्मगलिंग जो काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे ज़्यादा स्मगलिंग देखने को मिलता है। और ये हम लोग जो शेड्यूल 4 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इसमें इसका जो ट्रेड है, फॉरेन जो आपका जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर इसका ट्रेड जो है उसको बैन कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर कोई भी इसको पकड़ता, मतलब कहीं भी इसको स्मगलिंग अगर देखा जाता है तो इसको सीज किया जा सकता है। और ये जो प्रावधान है वो कहाँ से आया, तो कस्टम्स एक्ट 1962, आप ध्यान में रखिएगा, कस्टम एक्ट 1962 में आया था, उसके अंदर इसका प्रावधान दिया गया कि हाँ जो ये चीज़ है उसको पकड़ा जा सकता है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा चंद्रयान 2 के बारे में। ये प्रपोज किया गया, ध्यान में रखिएगा, अभी तक आया नहीं है, प्रपोज्ड है बस। अब चंद्रयान 2 क्या है, इंडिया का सेकंड मिशन है मून में जाने का। इसके अलावा देखेंगे इसको डिले कर दिया गया जनवरी 2019 तक के लिए। इसके अलावा क्या इसरो का ऐसा पहला अटेम्प्ट होगा कि वो एक लैंड रोवर जो होता है वो सतह में उतारेंगे मून के, तो ये इसरो का पहला अटैम्प्ट होने वाला है। इसके अलावा और भी जैसे हमारा नासा है तो वो सब ये अटैम्प्ट कर चुका है, भारत मतलब इसरो का ये पहला अटैम्प्ट है। अब थोड़ा बात करेंगे रिसेंट लॉन्चेस इसरो क्या क्या किए। अब इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया GS-86A, ठीक है, ये एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सेटेलाइट है तो मिलिट्री को कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा GS-11 को लॉन्च किया गया, कोरूरू फ्रेंच जूनिया का जो एक जगह है तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा PSLV-C39 मिशन जो है तो ये लॉन्च किया गया, ठीक है, ये किसको कैरी कर रहा था, IRNSS-1H नेविगेशन सेटेलाइट ये कैरी कर रहा था। अब थोड़ा यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे होता ही है कि एक रॉकेट बनाया जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा रॉकेट होता है, विशाल काय रॉकेट होता है। रॉकेट और सैटेलाइट के बीच में डिफरेंस होता है। एक रॉकेट क्या करता है, रॉकेट का काम होता है सैटेलाइट को ले जा करके उसको ऑर्बिट में छोड़ना। ऑर्बिट मतलब वो एक रेडियस जिसके तहत वो लोग जो धरती है उसका चक्कर काटते हैं, तो वो ऑर्बिट में छोड़ने का काम होता है रॉकेट का। रॉकेट एक बार वो स्पेस में पहुंचता है फिर रॉकेट का कोई काम नहीं बचता, रॉकेट फेंका जाता है, वो सैटेलाइट हम लोग काम का चीज़ बच जाता है, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा कि ये सब इसको क्या बोला जाता है, इसको सैटेलाइट कैरियर्स बोला जाता है। रॉकेट के बेसिकली जो रॉकेट्स होते हैं इनको सैटेलाइट कैरियर्स बोला जाता है। इसका जो नाम है भारत में अगर जो भी बिल्ट होता है तो इसका नाम PSLV या GSLV होता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा मतलब पॉइंट टू बी नोटेड से दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे हुआ ये था कि जब इसको लेके जाया गया, इसी साल इसको लॉन्च किया गया, जब इसको लेके जाया गया तो इसका क्या होता है, एक हीट शील्ड होता है, ठीक है, इसमें उसको खोला जाता है और फिर वहाँ से क्या होता है, सैटेलाइट बाहर आती है और जो रॉकेट है वो एक जंक बन करके, एक वेस्ट बन करके फेंका जाता है। तो वो जो हीट शील्ड है वो खुलना मतलब खुला नहीं समय से जब उसको खुलना चाहिए था, तो अपना ऑर्बिट क्रॉस कर गया वो सैटेलाइट और फिर वो वेस्ट हो गया। तो ये इस तरह का मतलब कुछ हुआ। अब डू यू नो में देखेंगे GS-86A जो है वो एक एस बैंड कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। अब एस बैंड क्या होता है, तो देखिए अलग अलग सेटेलाइट का कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, एक वेवलेंथ बोल सकते हैं लोग, जो साइंस यहाँ पे पढ़े वो लोग समझ रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी में ही कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, भारत के मतलब जो सतह है धरती के ऊपर, तो वो लोग क्या करता है कम्युनिकेशन के लिए यहाँ से कुछ फ्रीक्वेंसी में ये अपना जो जो भी डेटा है वो एमिट करता है। वहाँ पे क्या होता है कि वो सैटेलाइट है उसको कैप्चर कर लेती है, उस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर अगर वो आता है तो वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। अब ये एस बैंड कम्युनिकेशन, तो एस बैंड एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसको कि एस बैंड कहा जाता है, तो उसके अंदर ये काम होता है। इसके अलावा ये GS-86 जो पहले ही जा चुका है उसके बाद GS-86A आया, तो GS-86A क्या करेगा, GS-86 में कुछ कुछ नए फीचर्स ऐड करेगा। और GS-86 के बारे में हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे ये अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया था और 83 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जो है वो घूमता है। चलिए ये हो गया। अब मिसलिनियस देखेंगे तो यहाँ पे रंग सॉरी रंगनाथ
चित्तू, ठीक है, तो एक बर्ड सेंचुरी है कर्नाटका में पड़ता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा तेवोरी, ठीक है, एक सेंचुरी ओल्ड जापानीज मेथड है, जब जिसमें कि टैटू किया जाता है विथ हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है। आप तो लोग देखे होगा, देखे होंगे कि नीडल के हेल्प से टैटू किया जाता है, तो ये जापान का एक बहुत पुराना प्रथा बोल सकते हैं हम लोग उसको, ये चलते आ रहा है और ये काफ़ी अभी ट्रेंडिंग हो गया है, तो मतलब ट्रेंड में चल रहा है ये, तो इसलिए ही न्यूज़ में है। इसके अलावा गवर्नमेंट का बैक किया, मतलब गवर्नमेंट से हेल्प किया हुआ एक मास्ट ब्रेड फीडिंग इवेंट है जो कि फिलीपींस में ऑर्गेनाइज किया गया था। हम लोग कुछ दिन पहले भी इसको डिस्कस किए थे, आज फिर कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिलीपींस में उसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसको क्या मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है, वो लोग रिकमेंड करते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको जन्म के जस्ट बाद क्या होता है, 1st 4 आवर्स के अंदर माँ का दूध, मतलब माँ का जो स्तन होता है उससे दूध पीना होता है। इसके अलावा उनको 6 महीने तक रेगुलरली माँ का स्तन से ही दूध पीना चाहिए, ये काफ़ी बढ़िया होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो उस दिन हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किए थे, यहाँ पे फिर थोड़ा सा उसका एक रिकैप रिवीजन हो गया। अब मेन फोकस में चलेंगे तो इंटरनेशनल इकोनॉमी में अगर हम लोग ध्यान दें तो प्रॉब्लम्स रिलेटिंग WTO के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे WTO का जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड है वो काफ़ी आपको सुनने में लगा कि हाँ यार अगर मेरा बस में चलता तो मैं कुछ कर देता इसके लिए, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, तो हम लोग बस डिस्कस कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, बैकग्राउंड यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है आप लोगों को पता होगा कि कितना ख़राब सिचुएशन हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब कुछ नहीं बचा था बेसिकली बोला जाए तो, जो वर्ल्ड पावर्स थे उनके पास भी कुछ नहीं बचा हुआ था। तो ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग को वापस इकोनॉमी जो था वो बिल्ड करना था। अब इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए था कि आप लोग के पास कोई एक स्पेशल प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस होना चाहिए। तो क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका कि नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए गए, वर्ल्ड बैंक जो हमारा, और इसके अलावा IMF जो इंडियन सॉरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, तो ये दोनों को बनाया गया। इसको WTO को एस्टेब्लिश किया गया 1994 में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, इसके अलावा WTO का सर्विस के 1994 में ये हो गया। इसके आप देखेंगे WTO कैसे हिस्ट्री का क्या इवॉल्व कैसे हुआ। तो IMF और वर्ल्ड बैंक को क्या बोलते हैं, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, मतलब ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस वो बना तो इसको ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में जो कि 1944 में हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान दें कि जो ओरिजिनल ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है उसमें एक प्लान था कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। उसमें एक ऐसा प्लान था, जब लोग ये लोग कॉन्फ्रेंस हो रहा था 1944 में, तब ऐसा प्लान था कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। लेकिन हुआ ये कि मतलब क्योंकि इसका ऐसा रूल था ना, रूल इसको थोड़ा ऐसा था कि हर कंट्री को साथ में रखने का इसका रूल था। इसके अलावा जितने भी मतलब कोई भी पक्षपात ना करते हुए किसी का भी अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने के पे रूल था, कुछ जजेस को लाने का रूल था। तो इससे क्या हुआ कि मतलब इसको ये कभी आया ही नहीं, जो सोच था उसको कभी बनाया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि US उसको रिजेक्ट कर दिया, US क्या खुद को एक वर्ल्ड पावर मानता है, तो वो लोग इसको रिजेक्ट कर दिए। यार अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है कि बहुत छोटे मोटे जो कंट्रीज़ है वो सामने उठ के आएंगे, फिर US का जो मतलब एक डिग्निटी होता है उसको हर्ट होगा, तो US इसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड इसके अलावा इसके बजाय आया, तो ITO का आने का जगह ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड आया। तो ये एग्रीमेंट था छोटा सा, इसको कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, इसमें कोई जजिंग का प्रोसेस नहीं था, तो ये आया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके बाद क्या हुआ कि WTO इसको रिप्लेस किया 1994 में। तो ध्यान दीजिएगा WTO कहाँ से आया, और यहाँ पे थोड़ा और भी ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक और IMF कहाँ से आया, तो ये थोड़ा ध्यान में मतलब रखिएगा, उतारिएगा नहीं। अब US का थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे सिचुएशन, यहाँ पे बार बार जो पॉइंट दिया हुआ उसमें S. लिखा हुआ है, वहाँ पर US. होना चाहिए था, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, अगर आप लोग नोट्स लिखे रहे हो तो उसको सही कर लें। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि US का क्या आइडिया रिजेक्ट कर दिया ITO का, ये हम लोग सबको पता है, क्योंकि उन लोग को पता था कि अगर अगर ये होता है ITO होता तो फिर वो लोग को दिक्कत होगा, तो US उसको रिजेक्ट किया। फिर क्या हुआ कि वो लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेके आए, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी आने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ऐसा कोई भी आइडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हो, जो लोग उन लोग का लीडरशिप को चैलेंज कर रहा हो, वो आइडिया को यहाँ पे टोटली रिजेक्ट किया गया। यहाँ पे ऐसा हुआ कि मतलब सिचुएशन था ऐसा था कि हम लोग एक यहाँ पे होता है कि दोहा राउंड होता है ट्रेड नेगोशिएशन में, एक दोहा राउंड होता है, उस राउंड में ये लोग इस तरह का मतलब सिचुएशंस रख गए रख दिए US कि इतने बड़े बड़े डिमांड्स हो गए लोग कि कोई भी कंट्रीज जो है उसको फुलफिल नहीं कर सका। तो ये मतलब ऐसा सिचुएशन यहाँ पे उठ के आ गया। और यहाँ पे इसके अलावा जो US हमेशा अपना लीडरशिप दिखाने की जो कोशिश करता है उसका हम लोग देखेंगे NAFTA में, या फिर TPP, या फिर ट्रांसपैसिफिक जिस हम लोग का पार्टनरशिप होता है, तो उसमें अगर देखिएगा तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग को देखने को मिलेगा किस तरह से US अपना हाथ खींच रहा है। इसके अलावा नेटो और यूनेस्को भी एक ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जहाँ के आपको US का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, और इसके अलावा इसका जो काम है वो काफी खराब हो रहा है। तो ये आप लोग समझ में आ रहा होगा, जहां की मतलब US इतना बड़ा पावर है तो ये किसी और को सामने उठ के आने नहीं देता है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस कैसे होगा WTO में, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि
यूएस का जो सिस्टम मतलब देखिए बेसिकली जो WTO है उसमें क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक बेंच होता है जिसमें कि 7 लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर डिसीजन होता है तो उसमें सुनवाई करते हैं। यहाँ पे यूएस जो है वो ऐसा किया कि कोई भी नया मेंबर को जो अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसेस ही ब्लॉक किया हुआ है, तो कोई नया मेंबर अपॉइंट नहीं होता यहाँ पे आकर के। अब अगर ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं होता तो दिसंबर 2019 तक ये WTO है, WTO खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई जज नया अपॉइंट ही नहीं हो रहा है। 7 जन का जज, 7 जन का जो बेंच होता है उसमें भी 4 ही जन बचे हुए हैं, और यहाँ पे दिसंबर 2019 तक वो भी नहीं बचेंगे, तो ये बेसिकली WTO है वो कोलैप्स कर जाएगा, उसका कोई मतलब वहाँ पे मान्यता नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या कंसर्न है, किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे पहले तो बात की गई है कि जो पोलिटाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इफेक्टेड है ये हम लोग का WTO। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जा रहा है, और चाइना क्या है कि यहाँ पे आगे उठ के आ रहा है, वो लेके एक परमानेंट सीट यहाँ पे मतलब बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट है उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दबदबा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग WTO के अंदर अगर बात करें, यहाँ पे WTO एक डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि एक वर्ल्ड ट्रेड का कोर्ट नहीं है, मतलब वहाँ पे आप जाकर के अपने जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। वहाँ पे ये है कि वहाँ पे बेसिकली उसमें पावर चलता है, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर आप कोई अपना दिक्कत लेके जाते भी हो, जैसे कोई कंट्री अगर अपना दिक्कत लेके गया भी, तो वहाँ पे दलीलें दी जाती है कि नहीं हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हम ज़्यादा पावरफुल, तो आप बेसिकली वहाँ पे किसी का सुनवाई नहीं होता, वहाँ पे कोई जज नहीं बैठा हुआ आपको जज करने के लिए। वहाँ बताया जाता है कि हाँ हम पावरफुल हैं तो आपको शांत रहना होगा, ये चीज़ें वहाँ पे की जाती है। तो ये सब कुछ बातें होंगी इसके बारे में। अब WTO को बचाएगा कौन, तो चाइना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि WTO में घुसे, और अगर चाइना घुसता तो बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला सिचुएशन होगा अमेरिका और चाइना के बीच में, तब WTO जो है वो थोड़ा सही रास्ते में जा सकेगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और भारत भी कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा इमर्जिंग पावर है अभी। अब लोग अगर एशिया की बात करें तो भारत काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग पावर हो गया, जब से भारत अमेरिका की तरफ से ऐसे इंक्लिनेशन दिखाया है, रशिया से के साथ उनका कनेक्शन टूटा है, तब से भारत को एक अलग एंटिटी की तरह से मतलब देखा जाता है कि हाँ भारत भारत है। पहले उनको रशिया का एक सपोर्टर की तरह देखा जाता था भारत को, लेकिन अब कुछ सिचुएशंस अलग है। तो ये वहाँ का एक बढ़िया चीज़ बोल सकते हैं, ख़राब चीज़ बोल सकते हैं, अलग अलग इसका भी थॉट है लोगों के दिमाग में, अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग आंसर इसका बनेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह का आंसर देने का। अब यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है कि WTO जो है यहाँ पे क्या होता है कि अब इसमें चेंजेस का ज़रूरत है। आप काफ़ी ये सब जो कंक्लूजन होता है वो आर्टिकल से रिलेटेड ही होता है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि द प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंड ऑफ डेवलप्ड नेशंस एंड असर्टिवनेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव लेफ्ट WTO इन इफेक्टिव कमेंट, तो इसका आंसर देना है। अब सेकंड बात करेंगे रिलीजन वर्सेस एथिक्स के बारे में, क्वेश्चन इसका एथिक्स के पेपर में ही आएगा तो समझ में आ ही रहा होगा। अब थोड़ा सा इसमें बात करेंगे, अब कोई भी जो वीडियो देख रहे हो ध्यान रखिएगा, अगर रिलीजन से आता है तो मेरे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इसमें, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो राइटर का राइटर बोल रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है अगर रिसेंट का इंसिडेंट्स देखा जाए, जैसे सबरीमाला टेम्पल आप लोग को पता होगा वहाँ पे एंट्री बैन है, इसके अलावा चाइल्ड ट्रेड देखिएगा मिशनरीज के द्वारा किया जाता है, इसके अलावा ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, या फिर प्रेस्ट के सामने कन्फेशन के बाद दिखेगा रेप का केस सामने आया था, तो ये सब क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्या रिलीजन और मुझे मोरालिटी है वो हैंड टू हैंड चलता है, तो ये एक सवाल हो जा रहा है। अब यहाँ पे रिसेंट ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा, तो एक मंदिर को धो दिया गया था गंगा जल के द्वारा, जब एक दलित वुमेन लीडर जो मंदिर विजिट किया उसके बाद, इसके अलावा एक वुमेन का रेप किया गया चर्च के प्रेस्ट के द्वारा, जब उन्होंने अपना मतलब जो वुमेन उसने अपना हिस्ट्री बताया चर्च का प्रेस्ट के सामने, क्योंकि ये एक उनका प्रथा है कि वो लोग अपना हिस्ट्री बताना पड़ता है, तो उस प्रथा के द्वारा जब उन्होंने बताया तो उनका रेप किया गया। इसके अलावा एक वुमेन को डेथ थ्रेट्स मिले जब उन्होंने जो निकाह हलाला और जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है इसके और उसके अगेंस्ट में जब केस फाइल किया गया तो उसके वजह से उनको डेथ थ्रेट मिले। अब यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन क्या हुआ, जैसे ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है और उसके ऊपर बैन लगाया, ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप था मेरा कहना है, ये बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप था। इसके अलावा जो जो वुमेन का जो एज सॉरी रिस्ट्रिक्शन जो था कि 10 से 50 साल के बीच में कोई भी वुमेन अगर मंदिर में घुसती है, सबरीमाला जो मंदिर था उसका ये केस है, तो वो उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कंडमेंड किया।
तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा कुछ कुछ गवर्नमेंट का भी काम था, गवर्नमेंट भी हेल्प किया, कैसे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट लाया, हिंदू सशिक्षण एक्ट लाया, ट्रिपल तलाक बिल लाया, तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा काम किया इसके ऊपर। अब डिबेट ये है कि क्या गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना चाहिए रिलीजन के ऊपर, तो ये सवाल उठ गया था। देखिए अभी तक जब तक आप देखिएगा एनडीए सरकार आई, उससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें काफ़ी कम देखिएगा आपकी गवर्नमेंट को लेकर कोई भी इंटरवेंशन होते थे। तो अब जब ये इंटरवेंशन चालू हुए हैं तो आप लोग को यहाँ पे सवाल दिमाग में जरूर उठ रहे होंगे, क्या ये सही है या गलत है। तो ये बेसिकली यहाँ पॉइंट है। अब यहाँ पे आर्टिकल 25A के द्वारा हमें ये कहा जा रहा है कि हर इंसान के पास ये अपना पावर है कि वो लोग अपना रिलीजन और कॉन्साइंस अपने हिसाब से चूज करें, किसी का भी उस पर दबाव नहीं रहेगा। इसके अलावा आर्टिकल 25(2) में ये कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो गवर्नमेंट है उसका ये ताकत है कि वो लोग जो भी रिलीजन प्रैक्टिसेस या भी कुछ भी अगर होता है रिलीजन से रिलेटेड तो उसको रेगुलेट कर सके। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसे रेगुलेशन का जो प्रोसेस उसको क्यों लाया गया कि बहुत सारे ऐसे दबे हुए या फिर बोला जा सकता है कि बैकवर्ड जो भी सोसाइटी हम लोग का भारत का, तो उस सोसाइटी को हेल्प आउट करने के लिए कि वो लोग को ज़्यादा दबाया नहीं जाए, गवर्नमेंट एक रेगुलेटर बन के आएगी, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी किस तरह से काम यहाँ पे होता है। यहाँ पे ज़रूरी क्यों है कि हम लोग रेगुलेशन यहाँ पे लाएं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि समय के साथ अब देखिएगा कि जो हमारा जो सोसाइटी है वो काफ़ी बायस होते जा रहा है, काफ़ी उन लोगों की तरफ झुकते जा रहा है जो कि एक रिलीजन को डोमिनेट करते हैं, ठीक है, जैसे ब्राह्मण्स हो गए तो उन लोगों की तरफ झुकते जा रहा है ये सोसाइटी हम लोग का जो है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भारत में काफ़ी ऐसे अच्छे काम हुए हैं जैसे कि सती को हटाया गया, चाइल्ड मैरिज हटाया गया, और जो वुमेन का जो सिचुएशन था, उन लोगों को एजुकेशन नहीं दिया था, तो वो सब हटाया गया, काफ़ी अच्छे अच्छे काम हुए हैं हम लोग के भारत में। तो अब ये ज़रूरी है कि हम लोग को आगे उठ के आना चाहिए। इसके अलावा भक्ति मूवमेंट अगर आप लोग पढ़े होंगे, जो हम लोग का हिस्ट्री का सीरीज़ है, मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि वो सीरीज़ देख लीजिएगा, तो एक हिस्ट्री का सीरीज़ अवेलेबल है, वो क्लास 8 के बुक का ही है, तो काफ़ी उसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ, लेकिन हाँ आप लोग एक हिस्ट्री का आइडिया हो जाएगा वो सब आपको वीडियो देख कर कि कैसे हिस्ट्री हम लोग का काम किया, तो उसमें सब डिस्कस किया हुआ भक्ति मूवमेंट वूमेंट जितना भी सब डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कि भक्ति मूवमेंट जो है वो यहाँ पे दिखाता है कि किस तरह से मतलब सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हुए भारत में, कैसे सोशल रिलीजियस चेंजेस हुए, किस तरह से रिलीजन जो है वो काफ़ी अच्छे सिचुएशन में वहाँ पहुँच गया, कौन कौन से मेजर पायनियर्स हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा करंट इवेंट्स अगर हम लोग देखिएगा, ऊपर में जो करंट इवेंट्स हम लोग पढ़े तो वो ये कंडीशन बना था कि हाँ हम लोग को अब आगे उठ के आना चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। अब एक कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल के आता है कि हिस्टोरिकली अगर बोला जाए तो हम लोग का जो रिलीजन जो है वो सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि सोसाइटी किस तरह से काम करता है ये रिलीजन एक इंसान का धर्म उसको डिफाइन करता है कि हाँ सोसाइटी इस तरह से काम करता है। लेकिन अभी कुछ सिचुएशन है कि कितना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन बढ़ गया, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया रिलीजन के नाम पर, अब ज़रूरी है कि हाँ जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कि रिलीजन एंड मोरालिटी डज नॉट नेसेसरीली गो हैंड इन हैंड कमेंट साइटिंग, तो आप लोग इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके साथ आज का जो वीडियो हो चुका खत्म, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते, डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू नाइस डे। हाँ कोई रिकमेंडेशन अगर आपको वीडियो को लेकर के कि हाँ ये कीजिए सर या वो कीजिए सर, तो वो भी लिख दिएगा कमेंट सेक्शन में, तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों इसके साथ वीडियो खत्म हो चुका है, गॉड ब्लेस यू ऑल।